जिस बच्चे को बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, जिस बच्चे को पानी पीना नहीं दिया गया था, कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान लिखा। और आज हम बैलगाड़ी छोड़ो हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, और कीचड़ का पानी नहीं, ये बिस्लरी का पानी हम लोग पी रहे हैं। बराक ओबामा कहते हैं कि अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसे अंबेडकर का नाम दे देते। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। जिस दिन जम्मू के लोग बाबा साहब का वो इस्तीफा पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि जम्मू का एक ही नेता होगा, वो है डॉक्टर अंबेडकर। इस जम्मू के लिए भी बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट के गोविंद जी और उनके सभी साथियों को, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर की तरफ से जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के स्टैच्यू का अनावरण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, जब मैं जम्मू में उतरा जम्मू एयरपोर्ट पे, तो दूर से जब मैंने जम्मू एयरपोर्ट को देखा तो जम्मू के नीचे लिखा हुआ था द लैंड ऑफ टेंपल्स, यानी जम्मू को लैंड ऑफ टेंपल्स कहते हैं। आज यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का हम लोग अनावरण कर रहे हैं। जम्मू का उधमपुर ये एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का यहां पर अनावरण किया गया है, यहां से 10 किलोमीटर के दायरे तक, 10 किलोमीटर के रेडियस तक, मंदिर के बाहर बैठने वाले नहीं बल्कि संसद के अंदर बैठने वाले लोग तैयार होने चाहिए। ऐसी क्रांति यहां पर आप लोगों को करनी होगी। प्रशासन में बैठने वाले लोग, न्यायपालिका के अंदर बैठने वाले लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर जाकर बैठने वाले लोग इस उधमपुर से, यहां से तैयार होने चाहिए। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण का सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर जी को अभिवादन होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी मूर्तियों में नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर जी आज भी हमारे में जिंदा है, उनके राइटिंग और स्पीचेस में, उन्होंने लिखे हुए किताबों में। हम लोगों को उसे भी पढ़ना चाहिए। जैसे रजक जी ने कहा कि मूर्तियों को क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देती है। जो हमारे इतिहास को भूल जाएगा वो कभी इतिहास रच नहीं पाएगा। आज जब हम जम्मू से निकले, 100 गाड़ियों का काफिला हमारे आगे पीछे था। दो दिन पहले मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का एक स्पीच जो मराठी में था उसे हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा था, लिख रहा था। बाबा साहब के कई सारे स्पीचेस हैं जो हमारे लोगों तक आए नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश के स्पीच, मराठी के स्पीच हिंदी में अनुवाद करके वो लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तब बाबा साहब अंबेडकर जी 1955 का ये स्पीच है, उसमें कहते हैं कि बचपन में जब मैं मेरी मां के साथ कपड़े खरीदने के लिए जाया करता था, उस समय पूरे भारत देश को जातिवाद ने जकड़ा हुआ था, पूरे ये सारे लोग जातियों में बैठे हुए थे, ये ऊंच जाति का, ये नीच जाति का, निचले जाति में भी हजारों जातियां। बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं अपने मां के साथ कपड़े लेने के लिए जाया करता था तब हमें नए कपड़े लेने तक का अधिकार नहीं था, दूर से ही उस दुकानदार को पैसे रखने होते थे और वो दुकान वाला, कपड़े बेचने वाला, नया कपड़ा लेकर पहले उसे पानी में भिगोता था और फिर उसको कीचड़ में घसकर वो देता था। क्यों? क्योंकि इनको नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। जिस बच्चे को पूरे पैसे लेने के बावजूद भी नए कपड़े नहीं मिलते थे, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमारे इतनी
बदलाव कर दिए कि उन्हीं की तीसरी पीढ़ी आज कोर्ट में टाई में घूमती है। इतना बड़ा बदलाव बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्य का है। यही इतिहास हम लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये स्टैच्यू यहाँ पर अनावरण किया गया है। गाड़िया जब मैं देख रहा था कि आगे पीछे और उसके भी आगे दो मिलिट्री की गाड़ियां हम लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए चल रही थी। देखिए, मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं हूं, मैं भी एक मिलिट्री के घराने का ही बच्चा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी, उनके भी दादाजी ये मिलिट्री में थे। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार मेजर यहां तक पहुंच गए थे। जब बाबा साहब के पिताजी ने, जब ये सारे छोटे छोटे थे, बच्चे थे, बाबा साहब के पिताजी अलग अलग पोस्टिंग उनकी हुआ करती थी, तो ऐसे ही उनके पिताजी ने सोचा कि अभी बच्चों को छुट्टियां लग गई है तो क्यों ना बच्चों को जहां पर उनकी पोस्टिंग हो गई है वहां पर बुला लिया जाए। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने, रामजी बाबा ने टेलीग्राम भेजा, अपने बच्चों के नाम टेलीग्राम भेजा कि तुम लोगों की अगर एग्जाम्स खत्म हो गई है तो छुट्टियों में मुझे मिलने के लिए यहां पर आ जाओ। आने से पहले मुझे टेलीग्राम कर देना कि कौन सी ट्रेन से आ रहे हो, कौन सी ट्रेन से आ रहे हो। तो बच्चों को ये टेलीग्राम मिला, बाबा साहब को टेलीग्राम मिला। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के जो बच्चे थे, ये सभी बच्चे जिस ट्रेन से रामजी बाबा ने कहा था कि ये ट्रेन पकड़ के आना, उस वो ट्रेन पकड़ के ये सभी बच्चे अपने पिता को मिलने के लिए निकल गए। बाबा साहब ने टेलीग्राम कर दिया, लेकिन ये टेलीग्राम उनके पिताजी को मिला ही नहीं। अब पिता को पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे कब आने वाले और कौन सी ट्रेन से आने वाले। बाबा साहब और उनके भाई, उनके भतीजे सारे निकल गए। ट्रेन में बैठे जहां पर बाबा साहब के पिताजी ने कहा था कि इस स्टेशन पे उतर जाओ, ये बच्चे वहां पर उतर गए और अपने पिता की राह देख रहे थे। बहुत देर हुई, ट्रेन चली गई। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अभी तक यहीं पर खड़े हैं। और बच्चे, क्योंकि रामजी बाबा मिलिट्री थे, मिलिट्री मैन थे, घर में डिसिप्लिन बहुत थी, सभी अच्छे कपड़े पहनकर वहां पर खड़े थे। स्टेशन मास्टर को लगता है ये सवर्णों के बच्चे हैं, ये अपर कास्ट के बच्चे हैं, शायद ये भूल गए हैं, भटक गए हैं। तो वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आए। बच्चों के पास आकर उन्होंने पूछा कि कहां जाना है, तो बाबा साहब ने वो टेलीग्राम बताया कि हमें यहां पर जाना है, मेरे पिता मिलिट्री ऑफिसर है, उन्होंने हमको बुलाया है, शायद मेरा टेलीग्राम उनको नहीं मिला है इसलिए वो हमें लेने नहीं आए। तो स्टेशन मास्टर ने, बगल में ही एक बैलगाड़ी वाला वहां पर खड़ा था, उस बैलगाड़ी वाले को बुलाया कि देखो ये मिलिट्री ऑफिसर के बच्चे हैं, इनको उनके पिता के पास छोड़ कर आ। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सभी बच्चे गाड़ी में बैठ गए और रामजी बाबा ने जो एड्रेस दिया था वहां के दिशा के लिए ये बैलगाड़ी शुरू हो गई। बैलगाड़ी शुरू होने के बाद उस बैलगाड़ी वाले ने बच्चों से बात करना शुरू कर दिया। बच्चों से बात करते करते उस बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये तो निचले जाति के बच्चे हैं, ये तो अछूतों के बच्चे हैं, ये मेरे गाड़ी में कैसे बैठ गए। उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतार दिया कि अभी क्या, अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो, मुझे लगा तुम लोग सवर्णों के बच्चे हो, अच्छे कपड़े देखकर मैं फंस गया। उस बैलगाड़ी वाले ने सभी बच्चों को नीचे उतारा। बाबा साहब ने कहा चाहिए तो ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन हमें हमारे पिता के यहां छोड़ दो। ज्यादा पैसे के लालच में बैलगाड़ी वाले ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूतों के बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारे बगल में बैठ नहीं सकता, मैं बैलगाड़ी में बैठूंगा, तुम बैलगाड़ी के पीछे चलते चलते आना, बैलगाड़ी के पीछे चलते चलते आना।
10 किलोमीटर हो 15 किलोमीटर पता नहीं कितना लंबा सफर था। सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे चलते चलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि आपके पास जो पानी है वो पानी मुझे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता क्योंकि तुम अछूतों के बच्चे हो, लेकिन आगे अगर कोई तालाब आता है तो मैं ये गाड़ी रोक दूंगा, तुम लोग पानी पी के आ जाना। बहुत देर हो गई, कोई तालाब नहीं आ रहा था, कोई पानी का सोर्स नहीं आ रहा था। बैलगाड़ी वाले को भी तरस आ रहा था, लेकिन वो इस भारत में चलते हुए जाति व्यवस्था के तहत अपना पानी चाहते हुए भी वो बच्चों को नहीं पिला सकता था। उस बैलगाड़ी वाले को दूर से कुछ चमकता हुआ दिखा, उसे लगा तालाब आ गया है। उसने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को कहा कि देखो वहां पर कुछ पानी दिखाई दे रहा है, जाओ जाकर पानी पीकर आओ। सभी बच्चे दौड़ते हुए उस पानी के नजदीक गए और नजदीक जाकर देखा तो क्या, ये तो कीचड़ है, ये तो कीचड़ है, इसमें पानी है ही नहीं, लेकिन प्यास लगी थी। बाबा साहब ने वो कीचड़ कीचड़ हटाया और जो गंदा मैला पानी था वो झुककर बाबा साहब ने वो गंदा और मैला पानी बाबा साहब ने पिया। बाबा साहब फिर अपने पिता जहां पर थे उस सफर के लिए शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद वो अपने पिता के यहां पहुंचे। पिता ने देखा ये क्या हालत है मेरे बच्चों की, ये क्या हालत हो गई मेरे बच्चों की, सारे कपड़े खराब हो गए, मुंह पर मट्टी लगी है। और फिर बाबा साहब ने, छोटे बाबा साहब ने अपने पिता को सारी हकीकत बताई। अपने पिता से सवाल किया कि बाबा पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया, मुझे बैलगाड़ी में क्यों बैठने नहीं दिया गया, मुझे पानी क्यों दिया नहीं गया, मुझे क्यों कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। पिता ने क्या जवाब दिया पता है? पिता ने कहा कि बेटे यही व्यवस्था तुझे बदलनी है, यही व्यवस्था तुझे बदलनी है। और उसी बच्चे ने, जिस बच्चे को गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, बैलगाड़ी में, जिस बच्चे को बैलगाड़ी में बैठने नहीं दिया गया था, जिस बच्चे को पानी पीना नहीं दिया गया था, कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया था, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान लिखा। और आज हम बैलगाड़ी छोड़ो हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं और कीचड़ का पानी नहीं ये बिस्लरी का पानी हम लोग पी रहे हैं। ये इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी क्रांति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की है। लेकिन इस क्रांति को हमें हमारे ये जो नेक्स्ट जनरेशन यहां पर खड़ी है इन तक लेकर जाना होगा और ये जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ भारत में ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यूज का इनॉग्रेशन करने के लिए देश विदेशों में मुझे आमंत्रित किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए रजक जी ने कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 सबसे विद्वान लोगों में सबसे पहला क्रमांक बाबा साहब का आया। उन्हीं बाबा साहब के लिए बराक ओबामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पूर्व राष्ट्रपति थे यूएस के। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए शब्द कहे हैं। बराक ओबामा कहते हैं कि अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसे अंबेडकर का नाम दे देते। हम लोगों को बाबा साहब को जाति धर्म से ऊपर देखना होगा। अंबेडकर है, बाबा साहब है, यानी ये निचले जाति के थे। इस देश में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि मेरे हित की और समाज के हित की जब बात आएगी तब मैं अपने हितों को नहीं समाज के हितों को पहला महत्व दूंगा।
लेकिन जब समाज के हित की और देश के हित की बात आएगी तब मैं देश के हित को पहला प्राधान्य दूंगा। बाबा साहब ने हम लोगों को जाते जाते कहा है कि हम पहले बौद्ध हैं, हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले सिख हैं। ये भावना अपने आप में मत रखो, हम पहले इस देश के नागरिक हैं, हम पहले इस देश के लोग हैं, हम पहले भारतीय हैं, हम पहले इंडियन हैं। ये भावना अपने आप में जगाओ, ये भावना अपने आप में होनी चाहिए। लेकिन ये भावना आज भी हम लोगों में तैयार नहीं होती। मुसलमानों के ऊपर अगर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम कहते जाने तो वो मुसलमानों के लिए हो रहा है, हमारा क्या लेना देना। सिखों के लिए अगर कुछ उनके ऊपर अन्याय होता है तो बाकी के लोग कहते जाने तो वो सिखों का आपस का मसला है, वो आपस में देख लेंगे। हिंदुओं के ऊपर अगर कुछ होता है तो हम बाकी के लोग कहेंगे वो हिंदुओं का आपस का मामला है। ऐसे ही अगर हम विभाजित होते रहे तो फिर से वो गुलामगिरी हम लोगों के ऊपर वापस आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को एक होकर लड़ना है। दुश्मन की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हम लोगों को एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब ने जब इस देश को संविधान दिया, संविधान का पहला पन्ना प्रीएम्बल देखो, बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया, वी द सिख ऑफ इंडिया या वी द क्रिश्चियन ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम लोगों को ये भारतीय तो हम लोगों में जगाना होगा। मैं अपने युवा लोगों से कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने जब उनका संगठन बनाया, सबसे पहला संगठन जब उन्होंने बनाया तो उस संगठन का एक मोटो दिया, उस संगठन का एक ब्रीद वाक्य दिया, टू एजुकेट एंड टू ऑर्गेनाइज। इसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षित करो। बाबा साहब ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए, हमें हमारे समाज को शिक्षित करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, शिक्षित बनो। सिर्फ शिक्षित बनने तक ही बाबा साहब के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो तो 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, शादी कर लिया, बस खत्म, हमारा काम खत्म हो गया। बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि शिक्षित करो। जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जो लोग ये जान नहीं पाते, उन लोगों तक जाओ और बाबा साहब का ये संदेश पहुंचाओ, इस देश का संदेश पहुंचाओ। उन लोगों को शिक्षित करने का काम भी हम लोगों का है, हम लोगों का है। और इसलिए हम लोगों को वो काम भी करना होगा। आज यहां पर महिलाओं की तादाद बड़े पैमाने पर है, मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, बाबा साहब जब अपनी पीएचडी कर भारत लौट रहे थे, अपनी डिग्री पूरी करके बाबा साहब जब लौट रहे थे, तब बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने, बाबा साहब के चाहने वाले लोगों ने मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर जी का एक सत्कार समारोह रखा कि बाबा साहब जैसे ही बोर्ड से उतरेंगे उनका हम सत्कार करेंगे। ये पंडाल वगैरह डालना, उसका आयोजन चल रहा था। अब इस आयोजन का बाबा साहब अंबेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई, इनको पता चला कि मेरे पति आने वाले हैं, उनकी डिग्री पूरी हो गई है और उनका सत्कार होने वाला है, उनका सत्कार होने वाला, बाबा साहब का यानी मेरे पति का सत्कार मुझे अपनी आंखों से देखना है। ये एक छोटी सी इच्छा माता रमाई ने व्यक्त की कि मुझे अपने पति का सत्कार अपनी आंखों से देखना है। लेकिन माता रमाई की एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी, अब बाबा साहब का सत्कार होने जा रहा है तो उनके सत्कार में मैं क्या पहनकर जाऊं, क्योंकि जो साड़ी माता रमाई ने पहनी हुई थी वो 7 जगहों से फटी हुई थी। अब इतने विद्वान व्यक्ति का सत्कार होने जा रहा है और उनकी पत्नी ऐसे फटे साड़ी में जाए, लोग बाबा साहब को नाम रखेंगे कि अपने पत्नी को देखो किस हालात में रखे। अब माता रमाई सोच में डूबे कि अपनी पत्नी, अपने पति का सत्कार कैसे देखे। तब माता रमाई को याद आया
कि छत्रपति शाहू महाराज जी ने उनका सत्कार करते समय एक पगड़ी उनको पहनाई थी और वो पगड़ी माता रमाई ने संभाल कर एक ट्रंक में रखी हुई है। माता रमाई ने वो ट्रंक खोला, वो पगड़ी जहां जहां पर साड़ी फटी हुई है वहां वहां पर लपेट कर बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए गए। अब बाबा साहब का सत्कार जहां चल रहा था वहां पर ऊपर आकर बैठने के बजाय माता रमाई एक पेड़ के पीछे छुप छुप कर बाबा साहब का सत्कार देख रही थी। अब बाबा साहब का ध्यान पूरे समाज पर, उन्होंने इतने भीड़ में देखा कि मेरी पत्नी वहां पर पेड़ के पीछे छुप छुप कर मेरा सत्कार देख रही है और वो छुप कर ही क्यों देख रही है इसकी वजह भी बाबा साहब को पता चली कि माता रमाई आगे क्यों नहीं आ रही, मंच पर क्यों नहीं आकर बैठ रहे, पहले रो में आकर क्यों नहीं बैठ रहे। बाबा साहब को इसकी वजह पता चली। बाबा साहब का सत्कार पूरा हुआ, बाबा साहब मंच से नीचे उतरे और उस पेड़ की दिशा में चलते हुए गए। बाबा साहब ने माता रमाई का अपने हाथ में लिया और माता रमाई से कहा, रामू। बाबा साहब माता रमाई को प्यार से रामू कहा करते थे। रामू, मुझे अगर तेरे अकेली का संसार करना होता तो मैं सोने जैसा करता, मुझे अगर तेरे अकेली का संसार करना होता तो मैं सोने जैसा करता, लेकिन मुझे मेरे इस समाज का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया, आज उन्हीं माता रमाई के त्याग के वजह से हमारी हालात में इतने बदलाव हो गए हैं कि अभी कबाट अगर हम खोलते हैं, कबोट खोलते हैं कि धड़ाम करके साड़ियां गिर जाती। ये माता रमाई के त्याग के वजह से आज इस देश के महिलाओं के हालात में इतना बदलाव हुआ है। कई सारे मुद्दों पे अनेक वक्ताओं ने कहा, लेकिन मैं आज जम्मू के धरती पर हूं। सभी लोगों ने वुमन एम्पावरमेंट के लिए कहा, आप कभी, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है मैं ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, आप कभी बाबा साहब का रेजिग्नेशन गूगल पे पड़ा हुआ कि बाबा साहब ने रिजाइन क्यों दिया? 1954 में मंत्री पद का इस्तीफा बाबा साहब ने दिया है। महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए तो आपने, रजक जी ने कह दिया, लेकिन बाबा साहब ने 3-4 मुद्दों की वजह से इस्तीफा दिया है। जिस दिन जम्मू के लोग, मैं जम्मू के लोग कह रहा हूं, जम्मू का हिंदू, जम्मू का बौद्ध, जम्मू का मुस्लिम, जम्मू का रविदास या नहीं कह रहा हूं, जिस दिन जम्मू के लोग बाबा साहब का वो इस्तीफा पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि जम्मू का एक ही नेता होगा, वो है डॉक्टर अंबेडकर। इस जम्मू के लिए भी बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कि इस जम्मू कश्मीर का मुद्दा आप सॉल्व क्यों नहीं करते हो? ये सवाल बाबा साहब ने नेहरू को पूछा और नेहरू इस जम्मू कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं करता है, इसलिए बाबा साहब ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया कि ऐसा पद जिस पर मुझे काम करने तक नहीं दिया जाता, ऐसा पद मुझे नहीं चाहिए। ये आप लोगों के लिए बाबा साहब ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बाबा साहब का ये पहलू भी देखना होगा। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के आज मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। मैं देश विदेशों में जाता हूं, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं जहां पर देश के उपराष्ट्रपति मेरे साथ होते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में मैं वहां पर जाता हूं। आज केवल और केवल बाबा साहब के वजह से हम लोगों को एक ग्लोबल आइडेंटिटी मिली है। मैं जब यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में था, 125 देश के डेलीगेट्स वहां पर थे, 125 देश के डेलीगेट्स, और वो भी आम जनता नहीं, कोई वहां का प्रेसिडेंट होगा, कोई वहां का मिनिस्टर लेवल के, कैबिनेट लेवल के लोग। हम जब लंच आवर्स में वहां पर घुमा करते थे, अलग अलग देश के लोगों से जान पहचान किया करते थे, ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के उस कॉन्फ्रेंस में हम चलते चलते चाइना के लोगों से आकर टकरा गए।
चाइना के लोगों ने हमसे पूछा विच कंट्री, आप कौन से देश से हो। मैंने उनको जवाब दिया इंडिया, भारत। पता है चाइना के लोगों ने क्या जवाब दिया? अभी तो चाइना से टेंशन चल रहे हैं, ये 2 या 3 साल पहले की बात है। चाइना के लोगों ने हमको जवाब दिया, ओह अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश का नाम, आज भी इस देश की पहचान विश्व में अगर होती है तो वो अंबेडकर इंडिया से होती है। मैं भी मेरे फेसबुक पेज पे अगर कोई फ्रेंड्स है, पिछले फरवरी का अगर आप वीडियो देखोगे, बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति, बाबा साहब अंबेडकर जी का स्टैच्यू ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट रूम में है। ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट है, मूट कोर्ट नाम का कोर्ट, जिसमें केसेस नहीं चलती हैं, जिसमें एडवोकेट्स को और जिसमें जजेस